जी वो फीस से सो मतलब जो हुआ आज माय गुडनेस मैं कुछ वीडियो डाल रही हूँ आप लोग इसको देख के समझ जाओगे कि आज क्या हुआ मतलब क्या ही बताऊँ पूरा केक मेरे मैंने वाइट ड्रेस पहना था और वाइट ड्रेस पूरा ब्राउन कलर हो गया था चॉकलेट केक था पूरा मेरे कपड़े के ऊपर एंड उसके बाद कोका कोला मैंने सोचा सब लोग नाचेंगे लेकिन नाच तो नहीं हुआ उसके बदले में कोका कोला को शेक करके उसको ब्लास्ट किया गया है एंड पूरा मैं मतलब मैं वाज लाइक मैं बैठ के रोऊंगी मुझे क्या कर मैं मतलब मैं क्या करूँ पूरा दीवार उसके बाद फ्लोर पूरा एकदम क्या बोले स्टिकी स्टिकी सा हो गया है उसके बाद पार्टी पॉपर भी दिया था माई गुडनेस एंड मतलब फॉर्चुनेटली मेरा ड्रेस कॉटन का नहीं था एंड ब्यूटिफुल भी था सो इसीलिए मेरा ड्रेस से सब चॉकलेट केक उठ गया मेरे वाइट ड्रेस से एंड पिंक ड्रेस से दोनों से ही मेरा स्कर्ट एंड टॉप से दोनों से ही मेरा चॉकलेट केक उठ गया मतलब मैंने जस्ट मम थैंक गॉड बाहर थी एंड तभी मैं जल्दी जल्दी से केक को पानी से धो ली एंड मम्मी को मैं झूठ बता दूंगी कि पार्टी पॉपर की वजह से पूरा ड्रेस ख़राब हो गया एंड उसके लिए मैं धोने दे दी लेकिन पूरा एक भी चॉकलेट का दाग नहीं है मतलब इट वाज लाइक इट इज़ अ वाटरप्रूफ ड्रेस मुझे तो डर लग गया था कि ये मेरा पूरा अच्छा वाला ड्रेस पूरा बर्बाद हो गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ एंड वन मोर थिंग मैंने एक चीज़ पहना है देखो मैंने एक नया रिस्लेट पहना है शायद दिख रहा होगा हाँ सो ये रिस्लेट मैंने आज ही नया पहना एंड बायोलॉजी फीस्ट के लिए मैंने ये रखा था मुझे बर्थडे गिफ्ट में मुझे ये वाला मिला था एंड एक वन मोर थिंग शशि ने मेरे उंगली पर ये कर दिया है ये मैथ्स के ट्यूशन में पिंक कलर से मेरा उंगली को नेल पॉलिश पहना दी थी लेकिन उठ नहीं रहा है अभी क्योंकि वो शायद परमानेंट वाला था लेकिन मैचिंग हो गया था इसलिए मैंने भी नहीं उठाया उफ बाप रे आज जो हुआ मैं बंगाली बोलने वाली थी आज जो हुआ बाप रे मेरा ना पूरा मुंह पे पूरा ऐसा पूरा चॉकलेट केक लग गया था अभी भी ये थोड़ा ऑयली सा है क्योंकि मैंने अभी तक फेस वॉश नहीं लगाया है मैं जस्ट क्या ही बोलूँ बाप रे लेकिन मैंने भी नहीं छोड़ा है मैंने भी बदला नहीं आया चॉकलेट केक पूरा क्रीम लेके जिसने मेरे कपड़े को बर्बाद किया था उसके पूरा यहाँ से यहाँ तक बर्बाद कर दिया मैंने बाल उसके बाद ड्रेस भी बर्बाद कर दिया उसने भी वाइट पहना था दो लोग थे एक लड़की और एक लड़का सो उन लोगों को मैंने ड्रेस बर्बाद कर दिया बाल भी बर्बाद कर दिया सो छोड़ो उन सब बात को तो मैं अभी थोड़ा फेस वॉश लगा के मैं खा के सो जाऊँगी क्योंकि मैं और बहुत ही टायर्ड हूँ सो चलो बाय बाय नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट डे मतलब कल क्योंकि मैं कल रेस्टोरेंट जाऊंगी कोलकाता भी जाऊंगी तो चलो बाय बाय गुड नाइट
सो फ्रेंड्स, अब मैं फुल्ली रेडी हूँ एंड नहाने के बाद मैंने मेरा लुक नहीं दिखाया क्योंकि मैंने डायरेक्टली ये ड्रेस पहन लिया है इसीलिए। एंड तब मैं फिजिक्स ट्यूशन से आ रही थी इसलिए तब बहुत ही गर्मी लग रहा था, लेकिन अभी ठीक है। एंड आज पता है मैं सनरूफ में जाने वाली हूँ, मतलब मेरे दीदी के, मतलब मेरे दीदी का जो मैंने वीडियो बनाया था ना, वो हुंडई क्रेटा वाला गाड़ी खरीदी है उसी गाड़ी में मैं जाऊंगी। एंड ये मेरा फर्स्ट राइड नहीं है, पहले भी मैं बहुत बार गई हूँ, लेकिन फिर भी आज बहुत दिनों बाद मैं जा रही हूँ। एंड ऑब्वियसली मैं तो सनरूफ खोल कर ही जाऊँगी क्योंकि मुझे सनरूफ खोल के जाने में ही अच्छा लगता है। एंड नॉर्मली मेरे फोर व्हीलर में अगर जाती हूँ तो वोमिटिंग प्रॉब्लम, इसीलिए मैं वो सनरूफ बंद करके नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर सनरूफ खुला रहा तो मुझे कोई वॉमिटिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर बंद हो गया तो हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, पूरा गाड़ी बर्बाद हो जाएगा। एंड अभी पता नहीं, मैं अभी मुझे अभी तक पता नहीं है कि मैं कौन से रेस्टोरेंट में जा रही हूँ, लेकिन पता है बस मैं कोलकाता के कोई रेस्टोरेंट में जा रही हूँ। चलो, एंड वन मोर थिंग, मैंने ये वाला नया नया ख़रीदा है एंड जो मैंने आज पहना है, ये देखो सीजर नेकलेस है, मैंने शो यू दिस, असली का नहीं है भाई, डुप्लीकेट है। सो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये पहन के, एंड इस लुक के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड मैंने वाइट जीन्स पहना है, ये देखो शायद दिख रहा होगा, एंड उसके साथ झाड़ू भी। तो चलो मैं जल्दी जल्दी से निकल जाती हूँ क्योंकि मेरा ड्राइवर, मतलब मेरा नहीं, मैं ज़्यादा कुछ क्या बोलते हैं एटीट्यूड दिखा रही हूँ, नहीं मेरा ड्राइवर नहीं भाई, मतलब मेरे दीदी का जो ड्राइवर है उसका, वो अंकल आ गए हैं ऑलरेडी। एंड मैं अभी यहाँ पर बैठ के वीडियो बना रही हूँ, अगर ये दीदी जान जाएगी तो मुझे मार डालेंगे। सो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी निकल जाती हूँ एंड कौन से रेस्टोरेंट में गई ज़रूर दिखाऊँगी। ठीक है, बाय बाय टिल द टाइम। चाट खाएंगे क्योंकि अभी
मतलब मुझे, मैंने पहले ही बोला था कि बोल रहे, मतलब मुझे उल्टी होता है फोर व्हीलर में अगर बैठूँ तो मतलब उल्टी होने ही वाला था, तभी दादा ने सनरूफ खोल दिया एंड फॉर्चुनेटली ठीक हो गया है। एंड उसके बाद अभी मैं इसीलिए गोलगप्पे नहीं खाऊंगी, ये कुछ का भी नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं खाऊंगी, थोड़ी देर बाद। टीम में मिल गया we'll be right back.
फ्रेंड्स, अभी मैं जस्ट लौटी हूँ एंड ये जो बाल मेरे ब्रेड्स किए हुए हैं देख रहे हो, ये मैंने जस्ट अभी किया है क्योंकि मैं आके सुन रही हूँ कि मुझे अभी सिंगिंग लेसन में जाना है, सिंगिंग ट्यूशन। सो मम्मी ने बोला कि अभी तुम्हें सिंगिंग के ट्यूशन में जाना होगा। सो मैं 7 में आई हूँ एंड अभी टाइम हो गया है 7:20 एंड मेरा सिंगिंग क्लास है 8 PM। सो दैट्स वाई अभी थोड़ा रेस्ट, मतलब आधा घंटा नहीं, 40 मिनट्स, अभी थोड़ा, अब 40 मिनट्स भी नहीं, 35 मिनट्स रेस्ट कर रेस्ट, क्योंकि सिंगिंग लेसन कर, मतलब मेरा जो सिंगिंग ट्यूशन है यहाँ से जस्ट 2 मिनट का ही रास्ता है, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड मैं अभी थोड़ा इस चिक्स को थोड़ा पोज लूँगी भीगे वाइप्स से, मतलब नॉर्मल जो कारा का वाइप्स होता है वैसा टाइप का वाइप्स, सो इससे मैं पोछ लूँगी, वरना मेरा देखो कितना गाल गंदा गंदा हो गया। एंड थोड़ा लिबम लगा के चली जाऊँगी, उसके बाद आके मैं रेस्ट लूँगी। एंड वन मोर थिंग, कल महाल आया है, मतलब मैं तो कल पोस्ट करने वाली हूँ एंड आज सैटरडे है, सो आज महाल आया है। एंड महाल आया के दिन तो हर साल मैं 5 बजे उठती हूँ और बाकी दिन 8 बजे। सो 8 बजे मैं ज़्यादा नहीं उठती हूँ, ज़्यादा मुझे 7 बजे उठना पड़ता है क्योंकि मेरा हमेशा ही सुबह ट्यूशन रहता है, एंड जब नहीं रहता है तब तो 8 बजे 9 बजे भी उठती हूँ मैं। दैट्स नॉट द फैक्टर, कल मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरे साथ कौन कौन 5 बजे उठते हैं, ठीक है? चलो, बाय बाय।